टीचर भी अच्छे ही पढ़ाते हैं, जो विकास दिव्य कीर्ति सर है उनका काफ़ी पढ़ाने का भी अच्छा नॉलेज है, और उसमें जो फैकल्टी है उन्होंने हमें अच्छा ही पढ़ाया है। आइए जानते हैं एक एस्पिरेंट से और उनसे बात करते हैं कि वो कब से तैयारी कर रहे हैं और कितना समय हुआ है उन्हें। हेलो, हाँ मैम बोली। आपका नाम? शिवराज मीना। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मुझे इससे तैयारी करते 2022 में जून से चालू किया था मैंने, और इस बैच मेरा खत्म हो गया है। अब मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर दिल्ली आया हूँ, इसलिए मैं कोचिंग देख रहा हूँ कौन सी कोचिंग मुझे एडमिशन लेना है उसके लिए आया हूँ। आपने अब तक कहाँ से तैयारी करी? मैंने अपनी प्रिपरेशन फाउंडेशन की दृष्टि IAS कोचिंग से की है, क्योंकि पहली बात में हिंदी मीडियम से होने के कारण वहाँ पर हिंदी का जो भी कॉन्टेक्ट है वो हमें पर्याप्त मिल जाता है, और उसमें टीचर भी अच्छे ही पढ़ाते हैं, जो विकास दिव्य कीर्ति सर है उनका काफ़ी पढ़ाने का भी अच्छा नॉलेज है, और उसमें जो फैकल्टी है उन्होंने हमें अच्छा ही पढ़ाया है। तो आपने बोला आप विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़े, विकास दिव्य कीर्ति सर खुद आते हैं पढ़ाते हैं? नहीं मैम, वो तो नहीं आते हैं, लेकिन हमें उसकी ऑनलाइन क्लासें मिल जाती हैं यहाँ से, और जो भी और सब्जेक्ट है अदरवाइज वो हमें ऑफलाइन वहाँ से ही प्राप्त हो गए थे। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि दृष्टि में मतलब बैच साइज बहुत बड़ा होता है, आपने कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करी है कि बैच साइज बहुत बड़ा है और आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैम, उसमें पर्याप्त हॉल दिया जाता है, उसमें मतलब निश्चित मात्रा में स्टूडेंट लिए जाते हैं, ऐसे नहीं को अधिक मात्रा में स्टूडेंट को उसमें भर लिया भीड़ के इकट्ठा करने के कारण, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा स्पष्ट दिखने के कारण बच्चे के लिए LED लगी हुई है ऐसे तो, और आप पूछ सकता है उसके माइक को सुविधा दी जाती है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपने अब तक अपना ऑप्शन सोचा है? मैंने अपना सोचा था है फिजिक्स लेने के लिए, मैं अभी इसमें DIS कोचिंग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, उसके पास आया था अभी। तो आप कब सोच रहे हैं कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब देंगे? मैं अपना पहला अटेम्प्ट अभी मेरी पढ़ाई अच्छे तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई है, सो इसमें दूंगा, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के बाद 2025 में अपना अटेम्प्ट पूर्ण तरीके से देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, धन्यवाद।